खबर अमेठी से है, जहां पुलिस ने एक अर्धनिर्मित मकान में छापा मारकर डकैती की योजना बना रहे 75,000 के इनामी समेत 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से 2 पिस्टल, 2 बाइक, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दरअसल पूरा मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव का है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि गांव के बाहर अर्धनिर्मित मकान में कुछ बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही हरकत में आई पीपरपुर पुलिस ने टीम के साथ छापा मार कर सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाशों के मुखिया तपन मिश्रा के ऊपर अमेठी में 50,000 जबकि जौनपुर में 25,000 का इनाम घोषित था, जिसकी तलाश इन जिलों की पुलिस के अलावा एसटीएफ भी कर रही थी। वहीं मामले का खुलासा करते हुए अमेठी एसपी ने कहा कि पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, फिलहाल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। जी, ये एक हमारे यहाँ पर लूट हुई थी, जिसमें 10 लाख रुपए की लूट हुई थी मुंशीगंज में नवंबर महीने में, और उसमें मुर्गी दाना का एक व्यापारी था जिसके साथ लूट की गई थी, और 4 लोगों द्वारा उसमें लूट को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक व्यक्ति को तभी हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उसके बाद फरवरी में भी एक लूट हुई कमरौली में, और मुर्गी दाना व्यापारी के साथ लूट हुई थी लगभग 7 लाख रुपए की, उसमें भी करीब हम लोगों ने 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था, जिसमें कुछ लोग थे जो रैकी किए थे, कुछ लोग संरक्षण दिए थे, कुछ लोग हाइड आउट प्लान किए थे, और उसमें 1-2 व्यक्ति थे जो उसमें साथ में लूट में जिन्होंने अंजाम दिया था लूट को, उसी में इनाम प्रकाश में आए थे। इसमें आज हम लोगों ने गिरफ्तारी की है तपन दत्त मिश्रा, नंदन सिंह, शाहरुख खान और विजय यादव की, और एक व्यक्ति सौरभ यादव है, वो फरार है। इसमें तपन जो है, इसके ऊपर 50,000 रुपये का ऑलरेडी यहाँ से इनाम हुआ था मुंशीगंज वाली लूट में, और मुखबिरी के और मैनुअली इसमें थाना पीपरपुर और हमारी सर्वलांस और हमारे इंस्पेक्टर कमरौली और उनकी टीम द्वारा इसमें मैनुअली और सर्वलांस के माध्यम से इनको ट्रैक किया गया, और आज इनकी गिरफ्तारी की एक बड़ी सफलता अमेठी पुलिस को मिली है। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि जो तपन मिश्रा है उनके ऊपर लगभग 23 मुकदमों की बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, और नंदन है उसके ऊपर भी 12 मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री है, और बाकी लोगों के ऊपर भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। अब इन लोगों में ये जो 5 लोग थे, इनकी मुखबिरी की सूचना मिली थी कि ये लोग वहाँ पर एक जगह हाइड आउट में रुककर यहाँ डकैती की योजना बना रहे हैं, और उसी गैंग को बस्ट किया गया था जब पुलिस वहाँ पहुँची।